लग वैली के इस खूबसूरत मठा शहर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। यह देवभूमि कुल्लू और इस वक्त मैं हूँ मठा शहर में। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ, और मेरे पीछे है माता जी का मंदिर। मंदिर का मैंने पूरा वीडियो बनाया है, तो आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं इसे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। तो हमारी अभी जो है यहाँ से घर की वापसी हो रही है। सामने जो पहाड़, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लग बैली के इन पहाड़ों का। उतराई में जो है कलम खुद ही नीचे को दौड़ लगा रहे हैं। यहाँ कम से कम 1-1.5 फुट बर्फ है पड़ी हुई। थोड़ी मस्ती करते हुए बर्फ के गोले बना के फेंकते हैं। कैमरामैन है गोपाल कृष्ण। तो हम अभी दोस्तों जा रहे हैं गांव वापस, जिठानी गांव। अगर आप मठसौर आना चाहते हैं तो आप भूमतिर से आ सकते हैं। मठसौर के लिए भूमतिर गांव से आपको एक घंटा लग जाएगा मंडसौर आने के लिए। कुल्लू से भूमतिर तक के लिए आप गाड़ी में आ सकते हैं, या अपनी बाइक में आओ, या बस में आ सकते हैं, या अपनी प्राइवेट कोई गाड़ी हो उसमें आ सकते हैं मंडसौर के लिए। यहाँ आप रहना चाहते हैं तो आप अपने साथ अपना टेंट, खाने का सामान, पानी जरूर लेके आए। अगर आप यहाँ रात गुजारना चाहते हैं तो आपको अपना सामान खुद ही लाना पड़ेगा। मठसौर एक खूबसूरत सीन वादियों में। सामने दोस्तों लग वैली की पहाड़ी। देख रहे हैं दोस्तों खूबसूरत नज़ारा बर्फ का, एक खूबसूरत पहाड़, लग वैली के खूबसूरत पहाड़। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें दोस्तों से। देखो दोस्तों क्या खूबसूरत नज़ारा है इधर, बर्फ ही बर्फ। तो हम अभी जा रहे हैं जिठानी गांव के लिए। बर्फ से लदी हुई पहाड़ियां, बहुत ही खूबसूरत जगह है दोस्तों मठसौर। तो हम अभी जा रहे हैं वापस घर की ओर। आप भी एक बार यहाँ जरूर आइएगा और एक खूबसूरत नज़ारों का मजा लीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे लग जाएंगे यहाँ तो
फिल्मों की शूटिंग भी हो सकती है।